हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टीम सोविन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं बांग्लादेश वुमेंस वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वुमेंस का मैच जो कि आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप में खेला जाने वाला है। क्या कुछ दो टीम से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड लाइनअप्स आने वाले, उसके बारे में हम बात और डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। साथ ही साथ इन डेप्थ एनालिसिस करें और कौन से प्लेयर का क्या रोल रहने वाला है उसके बारे में हम बात और चर्चा करने वाला है। एंड तक आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको पसंद आता तो एक लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल पे नहीं हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ऐसे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, जिसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो देर किस बात की, हर मैच की फाइनल टीम हम लोग वहाँ पर ही देते हैं। इस मैच की भी फाइनल टीम आपको वहाँ पर ही मिलने वाली है, देर किस बात की, जल्दी जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो अगर हम बात करें इस मैच के बारे में और इन प्लेयर स्टैट्स एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो उसके पहले मैं बता दूं कि ये मैच 17 मार्च से खेला जाने वाला है और ये अर्ली मॉर्निंग 3:30 AM से खेला जाने वाला है। ये अगर हम लोग कवर करेंगे और फाइनल टीम भी पोस्ट कर देंगे टेलीग्राम पे, सो जुड़ जाना है वहाँ पर। आगे अगर हम बात करें तो इसी मैदान के बारे में थोड़ी सी बात और चर्चा कर लेते हैं कि कैसा कुछ परफॉर्मेंस रहता है इस मैदान पर। अभी तक देखें मेंस के 10 मैचेस खेले गए, मैं मेंस के बताऊंगा आपको, शायद वुमेन के ज़्यादा रिलायबल नहीं रहते हैं। बैटिंग फर्स्ट जीते 5, बैटिंग सेकंड ने जीते 0। सो 5 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 5 आना चाहिए, मैंने गलती से यहाँ पर 0 लिख गया या हो गया रहेगा, अब वो चेंज होना थोड़ा सा मुश्किल जरूर नज़र आता है। वीडियो चालू हो गया है। टाया कुछ भी ना, फर्स्ट इनिंग बैट 279 का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 371/7 है न्यूजीलैंड का, लोएस्ट कनाडा का 210/4 ऑल आउट। स्कोरिंग पैटर्न का मैं देखे तो स्कोर बिलो 200 यहाँ पर 0 टाइम्स बना है, स्कोर बिटवीन 200 to 249 4 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 252 to 299 3 टाइम्स एंड स्कोर अबाउट 300 यहाँ पर 3 टाइम्स बना हुआ है। सो अच्छा सा बैटिंग पैराडाइज हमें नजर आता है, एवरेज भी 280 के करीब जा रहा है और यहाँ पर अच्छा से हाई स्कोरिंग हमें देखने मिला। कैनेडा जैसी टीम ने भी यहाँ पर 200+ बना लिए थे। सो ऑफकोर्स वुमेंस तो अच्छी खेलेगी एंड आई होप कि इस मैच में भी हमें ऐसे कुछ देखने मिले हैं, सारी हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही जाए। वही अगर हम आगे बात करें तो मैच में ना प्रेडिक्शन कर में थोड़ी सी बात और चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर आप गाइज मुझसे पूछोगे कि कौन जीतेगा ये मैच, तो वेस्ट इंडीज़ वन साइडेड ये मैच जीतेगा। 75% वेस्ट इंडीज़ के साथ जा रहा हूँ मैं एंड आपको भी मुझे लगता है वही करना चाहिए और वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर ईजिली ये मैच अपने नाम करेगी, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ का हेड टू हेड में एक भी मुकाबला ज़्यादा खेला गया नहीं है, तो स्टार्ट मुझे मिल नहीं पाए ज़्यादा। सो जितना मिले मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बताया, लेकिन थोड़े से मैच मुझे मुश्किल ज़रूर नज़र आ रहा है। थोड़े बांग्लादेश के मैचेज़ अगर हम देखेंगे तो हम टीम सोविन चैनल ने मैक्सिमम खेले नहीं हैं इनके मैचेस इतने, और ना ही इतने होते हैं। सो ये हमारे लिए एक चुनौती रहेगी, लेकिन हम लोगों ने हर चुनौती का सामना किया और हर एक में हम लोग अच्छे रैंक में पास हुए। इसमें भी हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और अच्छे से पास हो गए गाइस। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, बहुत ज़्यादा आसानी कराऊंगा एंड हम लोग ज़रूर ये मैच हमारे लिए अच्छा करेंगे। सो 75% वेस्ट इंडीज़, 25% यहाँ पर बांग्लादेश। ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी जाके जुड़ जाइए। वही अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर वेस्ट बांग्लादेश टीम के हम पॉसिबल 11 के में पॉसिबल 11 के में थोड़ी सी बात और चर्चा कर लेते हैं। शमीमा सुल्ताना जो कि हमें ओपन करते नजर आएंगे शर्मिन अख्तर के साथ, फराना होक्यू और निगार सुल्ताना उनको फॉलो करते हुए नजर आएंगी। रुमाना अहमद बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रितु मोनी और फाहिमा खटून उनको फॉलो करते हुए हमको नज़र आ सकते हैं। सलमा खटून, नाइदा अख्तर, जनहानारा आलम और फरेहा तृष्णा, ये कुछ इनके लेवल रह सकती है। जरूर टीम में चेंजेस हो गया, वो तो कप्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि किसको क्या मैनेजमेंट में क्या करवाना है। सो ये कुछ देखने मिल रहा है। अब इन्हीं प्लेयर्स के बारे में हम ओवरऑल स्टैट्स और हेड टू हेड के बारे में थोड़ी सी बात और चर्चा कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देखोगे कि शमीमा और सुल्ताना के बारे में बात करें तो ओवरऑल इन्होंने 9 मैचेस खेले जिसके अंदर 178 रन स्कोर किए, 22 का औसत है, 54 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। हेड टू हेड में कुछ नहीं है, रीसेंट फॉर्म अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर इनसे अच्छा असर देखने मिल जाता है। वो अगर हम देखेंगे शर्मिन अख्तर जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, 27 मैचेस में 446 रन है, 17 का औसत है, 48 का स्ट्राइक रेट है इनका। जरूर थोड़ी सी स्लो खेलते हैं लेकिन अच्छी खासी खेल जाती है। और अगर हम स्पेशली इनका रीसेंट फॉर्म देखोगे तो हमें अच्छा सा नजर आए जिसके अंदर 81 रन की पारी इन्होंने यहाँ पर जड़ी हुई है। सो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कंसिस्टेंसी जरूर हमें इनमें नजर आती है। अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ खेलेगी तो औसत में भी सुधार आएगा और इस मैच में भी इनका बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। फराना होक्यू इंपॉर्टेंट प्लेयर अगेन, 44 मैचेस में 972 रन है, 26 का औसत है, 52 का स्ट्राइक रेट है, हेड टू हेड में कुछ नहीं खेले इन्होंने, 71 रन, 53 रन, 8 रन, 71 रन, 0 रन इनका रीसेंट है, मतलब रीसेंट अच्छा खासा देखने मिल रहा है। 8 और 0 रन की जो पारी निकाल दे तो हमें बहुत अच्छा प्रिंस देखने मिल रहा है यहाँ पर। निगार सुल्ताना का बात करें जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, 26 मैचेस इन्होंने ओवरऑल खेले, 462 रन स्कोर किए, 23 का औसत है,
48 का स्ट्राइक रेट है, हिटविड में कुछ नहीं, रीसेंट फॉर्म देखोगे तो हमें अच्छा सा नंबर इनसे भी देखने मिल रहा है। अब देखिए इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वापस जिम्मेदारी रहने वाली है, सामने होगी वेस्ट इंडीज़ जैसी घातक और ख़तरनाक टीम, और वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर मुझे लगता है ईजी विन यहाँ पर कर देंगी। रुमाना अहमद राइट हैंडेड बैट्समैन, अगर हम देखेंगे ओवरऑल 45 मैच में 931 रन से 48 विकेट्स हैं इनके, 3.67 की इकोनॉमी रेट है, हेड टू हेड में कुछ नहीं, रीसेंट फॉर्म अगर हम देखेंगे तो हमें इनसे भी अच्छा खासा पैर देखने मिल रहा है, जहाँ पर ये पार्ट टाइम बोलिंग भी करती है, विकेट्स भी चट कहती है और अच्छे खासे रन भी मार देती है। सो ये कुछ देखने मिल रहा है। वही अगर हम आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि रितु मोनी जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, ओवरऑल 22 मैच में 231 रन से 19 का औसत था, 7 विकेट से, विकेट जरूर नहीं ले पाए और बल्लेबाजी में भी इतना कुछ अच्छा नहीं रहा इनका, सो ठीक ठाक है। लेकिन इस टूर्नामेंट या तो फिर अगर हम रीसेंट देखेंगे तो कुछ मैचेज में इन्होंने विकेट्स भी अच्छे खासे निकाले हैं, सो ये कुछ देखने मिल रहे हैं। हो सकता है अभी अभी रिसेंटली इन्होंने बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया हो। फहीमा खटून जो कि ओवरऑल अगर हम देखें 19 मैचेस में 11 विकेट है, 4.48 की इकोनॉमी रेट है, 67 रन से इनके, हेड टू में कुछ नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो हमें यहाँ पर ठीक ठाक देखने मिला है, लास्ट मैच में 3 विकेट्स लेकर आ रही है। वही अगर हम देखेंगे तो सलमा खटून जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, ओवरऑल 40 मैचेस में 419 रन है, 44 विकेट्स है और 3.62 की इकोनॉमी रेट है, हेड टू में कुछ नहीं और रिसेंट फॉर्म अगर हम देखेंगे तो हमें इनसे अच्छा खासा नजर आ रहा है, और ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि कंसिस्टेंसी के बाद विकेट जरूर निकाल लेती है। नईदा अख्तर राइट हैंडेड बैट्समैन, ओवरऑल 22 मैचेस में 26 विकेट्स है, 3.54 की इकोनॉमी रेट है, हेड टू हेड में कुछ नहीं और रीसेंट फॉर्म देखोगे तो हमें इनसे बहुत ज़्यादा ख़राब फिलहाल देखने मिल रहा है, ज़रूर इनके जो स्टार्ट से और ये रीसेंट फॉर्म में सुधार करना चाहेगी। जनहानारा आलम राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, ओवरऑल 43 मैचेस में 41 विकेट्स है, विकेट टेकिंग ऑप्शन और एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा हमें नज़र आ रहा है इनमें, सो एक अच्छी पिक हो सकती है, रीसेंट ठीक ठाक गया है। फरिया तृष्णा के अन बात करें तो 4 मैच में 5 विकेट है, 4.32 की इकोनॉमी रेट, रीसेंट फॉर्म इनसे हमें ठीक ठाक देखने मिल रहा है, 2 मैचेस में विकेट लेस गए और उसके पहले के 2 मैचेस में 3-3 विकेट निकाल ली गई थी, सो ये कुछ हमें देखने मिल रहा है। वही अगर हम आगे बात करें तो वेस्ट इंडियन टीम के बारे में थोड़ी सी बात और चर्चा कर लेंगे अभी। सो अगर हम वेस्ट इंडियन टीम से देखें तो दीन रॉय डॉकटिन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है, अगर ये बॉलिंग कर लेते कल के इस मैच में तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जरूर रहने वाली है। काशा नाइक जो कि विकेट कीपिंग करते हुए हमें नजर आएगी, रशदा विलियम्स उनको फॉलो करते हुए नजर आ सकती है, हो सकता है कि इस मैच में इनके खेलने के जो चांसेस ज़्यादा हमें नजर आए। स्टेफनी टेलर थोड़ी सी नीचे बल्लेबाजी करते हुए उनको नजर आ सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिली मैथ्यूज़ को मैंने यहाँ पर रखा है लेकिन ये ज़रूर कल के मैच में भी ओपन करेगी, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, और बैटिंग वाइज नहीं है ये। शमीम कैम्बेले उनके बाद देन अनीसा मोहम्मद और शकीर सलमान उनको फॉलो करते हुए उनको नजर आएगी, एफी फ्लेचर, करिश्मा राम हरक और चेरी एन फ्रेजर, ये कुछ इनके 11 रह सकती है, ज़रूर चेंजेस और हो सकते हैं इस मैच में, ज़्यादा चेंजेस की गुंजाइश है, सो थोड़ा सा हमें देख के चलना होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वन टाइम है, सो इनके जो थोड़े से लूज प्लेयर उन्हें भी खिला सकती है यहाँ पर। अब देखते हैं इन्हीं प्लेयर्स के बारे में इनका स्टार्ट क्या बोलता है, हेड टू तो फिलहाल कुछ खेले नहीं है, रिसेंट फॉर्म क्या बोलता है। सो गाइज अगर हम दीनर डॉटिंग की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर इनका 50-50 स्टैट्स है, मैंने यहाँ पर गलती से T20 लिख दिया, आपको ज़रूर इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है गाइज, इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी माफ़ी आपको कर देनी है। 135 मैचेस इन्होंने खेले, 3.528 रन स्कोर किए, 150 का हाई स्कोर है, 31 का औसत है, 79 का स्ट्राइक रेट और 69 विकेट्स है, 5.34 बेस्ट फिगर और 5 की इकोनॉमी रेट है, हेड टू हेड में कुछ नहीं लेकिन रिसेंट हम देखेंगे तो हमें अच्छा खासा नजर आ रहा है, अगर बॉलिंग कर लेती है तो और भी अच्छी पिक हो जाएगी। काशा नाइट 77 मैचेस में 1.253 रन है, 69 का हाई स्कोर है, 19 का औसत है, 54 का स्ट्राइक रेट है, हेड टू हेड में कुछ नहीं, रिसेंट फॉर्म अच्छा खासा हमें इनसे भी देखने मिल रहा है, ये एक अच्छी प्लेयर हो सकती है अगर कंसिस्टेंसी का परफॉर्मेंस दे, थोड़ा सा रुक के खेले और संभाल के खेले तो अच्छी पिक हो जाएगी। रशदा विलियम्स इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फॉर्म खराब है लेकिन डोमेस्टिक सर्किट हो या कुछ भी बाकी के सर्किट से अच्छा परफॉर्मेंस देती है ये, 13 मैच में 228 रन है, 78 का हाई स्कोर, 19 का एवरेज और 747 का स्ट्राइक रेट है, रिसेंट में कुछ नहीं देखने मिल रहा है। वो अगर हम देखेंगे स्टेफन टेलर के बारे में तो राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, 137 मैच में 5.47 रन है, 171 का हाई स्कोर है, 46 का औसत है, 70 का स्ट्राइक रेट है, 148 विकेट्स है, 4.47 बेस्ट फिगर और 4 की इकोनॉमी रेट है। रीसेंट फॉर्म अगर हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा कुछ अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा है इनसे, लेकिन ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं करी इन्होंने, ना ही ज़्यादा बल्लेबाजी करी इस मैच में, मैं हो सकता है इनको वाइस कप्टन दे दूँ, कुछ अलग रीज़न भी होगा उसका, मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगा। हिली मैथ्यूज 61 मैच में 1.504 रन है, 117 का स्कोर है, 26 का औसत है, 66 का स्ट्राइक रेट और 68 विकेट है, 4.26 बेस्ट फिगर है, 4 की इकोनॉमी रेट है,
रिसेंट फॉर्म अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। पार्टी में बॉलिंग कर रही है, विकेट चटका रही है, बल्लेबाजी से तो ओपन करते धमाका ही मचा रखा है इन्होंने। वही अगर हम आगे बात करें तो हम देखेंगे कि शर्मा कैम्बेले 91 मैच में 1172 रन है, 105 का स्कोर है, 19 का औसत है, 56 का स्ट्राइक रेट और 21 विकेट्स है, 2 for 13 बेस्ट फिगर और 3.5 की इकोनॉमी रेट है। हिट रेट में कुछ नहीं, लेकिन रिसेंट फॉर्म अगर हम देखेंगे तो हमें इनसे अच्छा खासा पर देखने मिल रहा है। फिलहाल लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच में रह सकती है अरीशा मोहम्मद। लास्ट मैच जरूर नहीं खेली थी, इस मैच में हो सकता है कम बैक करो, बहुत ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस है। 136 मैच में 174 विकेट्स है, इंपॉर्टेंट विकेट टेकर है, हर मैच में 1 विकेट चटकाती है। शी इज़ एन कैप्टन एंड वाइस कैप्टन मटेरियल। अगर आप रिसेंट भी देखोगे तो हर मैच में आपको कंसिस्टेंसी का विकेट निकालते हुए आपको नजर जरूर आ जाएगी। शकीर असलमैन 90 मैचेस में 73 विकेट्स है, 5 for 15 बेस्ट फिगर और 3.5 की इकोनॉमी रेट है। रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं गया है फिलहाल। एफ ए फ्लेचर 55 मैचेस में 62 विकेट्स है, 4 for 22 बेस्ट फिगर और 4 की इकोनॉमी रेट है। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। करिश्मा राम भैर की अगर बात करें तो 10 मैचेस में 8 विकेट है और रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक देखने मिल रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए रह सकती है जो कि कंसिस्टेंसी का विकेट जरूर निकाल रही है। चेरी एंड फ्रेजर 5 मैच में 5 विकेट और रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। सो गाइज ये कुछ थी हमारे दोनों टीम से प्लेयर सेट एंड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारे PPT सेट इन्फो और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नज़र और आया होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फाइनल टीम मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में। फिलहाल हम बात कर लेते हैं फैंटेसी टीम के बारे में जो कि हमारी टेम्प्ररी है। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर एस कैम्बेले को लिया हुआ है। अगर आप चाहो तो आप बांग्लादेशी विकेट कीपर को ले सकते हो। बैटिंग सेक्शन से डी डॉटन को लिया है, एफ होकी और सोहेल अख्तर को लिया हुआ है और ये कुछ मैंने किया है। अगर आप चाहो तो आप कासर नाइट को ले सकते हो किसी एक बल्लेबाज को ड्रॉप करके फ्रॉम बांग्लादेशी टीम। ऑलराउंडर सेक्शन से आप देखोगे मैंने हिली मैथ्यूज के लिए शेफनी टेलर को लिया हुआ है, एस कटून और आर अहमद को लिया हुआ है। बॉलिंग सेक्शन से एस कॉनल, ए मोहम्मद और जे आलम को लिया हुआ है। कैप्टनशिप भी मैंने बता दी आपको, मैंने दी हिली को, वाइस कैप्टनसी दी टेलर को। अगर आप चाहो तो आप सिंपली स्विच कर सकते हो और उसके अलावा बेस्टेस्ट चॉइस अगर आपके पास दूसरी कोई और आप देखना चाहो तो डेन डॉटन है और रुमाना अहमद और अनीसा मोहम्मद है। सो ये कुछ हमारी टीम है, टेम्पररी टीम है गाइस। फाइनल टीम मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच एंड हैव अ नाइस डे।